प्रदेश सरकार ने नए वर्ष पर 17 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। इसमें खास बात यह है कि हाथरस, गोंडा, बलरामपुर सहित 11 जिलों के डीएम के भी तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में कई अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप काम का नए वर्ष में इनाम मिला है। एक जिले से हटाए जाने के बाद दूसरे जिले की कमान या बेहतर पोस्टिंग दी गई है। हाथरस कांड से चर्चा में आए वहां के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार भी हटा दिए गए हैं। गोंडा में मार्कंडेय शाही व बलरामपुर में श्रुति को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। 10 पीसीएस अधिकारी भी इधर से उधर किए गए हैं। हाथरस में दलित युवती की बलात्कार व हत्या के घटनाक्रम के बाद रात में अंतिम संस्कार कराए जाने के बाद वहां के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट ने भी डीएम को न हटाने के सरकार के फैसले पर सरकार से सवाल किया था, पर सरकार ने कोर्ट में प्रवीण का बचाव किया था और कहा था वो डीएम नहीं हटाएगी। डीएम ने कुछ भी गलत नहीं किया। सरकार ने अब प्रवीण को हटाया जरूर, लेकिन उनकी भूमिका से संतुष्ट होते हुए उन्हें मिर्जापुर का नया जिलाधिकारी बनाया है। इसके अलावा गोंडा, चंदौली, फतेहपुर, सोनभद्र, औरैया व बलरामपुर के जिलाधिकारियों को भी बेहतर इनाम मिला है। गोंडा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल को प्रतापगढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया है।